लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में संगठन महामंत्री रामलाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अनिल जैन, लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, शिवराज सिंह और बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी, साथ ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के बारे में भी जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अन्य कार्यकर्ताओं को और जनता तक जोड़ने का काम करें, शक्ति आगे बढ़ाओ। और सबसे प्रमुख बात, पूरी एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जी ऊपर आईडी फ्रेम में आ रही है, जिनके कारण प्रदेश में किसान भाइयों को, अरे आईडी फ्रेम में आ रही है, प्रदेश की जनता को, अरे मैं हूँ, किसी तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसकर कांग्रेस की सरकार को जमीन पर उतरकर घेरने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी कल ही जानकारी आई, तमाम चैनल्स ने इसको एक साथ दिखाया है, गौ अभ्यारण्य में जिस तरह से निश्चित संख्या तो नहीं मालूम लेकिन 35-40 गायों की एक साथ मृत्यु हुई है, भूख के कारण, ठंड के कारण। ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गायों को लेकर कितनी संवेदनशील है। फ्रेम आ रही है, याची आईडी पूरी फ्रेम आ रही है मेरे, नीचे तो बोलो, नीचे कर दो। भले बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को शोषण करने के लिए घोषणाएं करना और बाद में उन पर कुछ भी ना करना, ये साबित करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, आज भी आगर जिले में भारतीय जनता पार्टी एक उसको लेकर एक आंदोलन करने जा रही है। आने वाले समय में ये स्थितियां रही तो हम कांग्रेस की सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे।